नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे क्या केमिकल पील एक सेफ प्रोसीजर है या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, केमिकल पीलिंग एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है यदि आप इसे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस के अंडर करवाते हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हैं। केमिकल पीलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको करवाने के बाद आपकी स्किन कुछ दिनों के लिए थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उस पीरियड में आपको अपनी स्किन का धूप से बहुत अच्छे से बचाव रखना चाहिए। उस टाइम आपको रेगुलरली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार सनस्क्रीन को अप्लाई करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप केमिकल पीलिंग करवाने के बाद नॉर्मली क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीलिंग करवाते समय आपको चेहरे पर थोड़ी सी जलन हो सकती है जो कुछ घंटों बाद चली जाती है। पीलिंग करवाने के बाद 2 से 3 दिन तक आपको फेस पर थोड़ी सी रेडनेस रह सकती है जो कि 2 से 3 दिन में अपने आप चली जाती है। पीलिंग करवाने के लगभग 3rd से 8th दिन के बीच में आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, यानी कि आपकी स्किन की परत उतरती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीलिंग के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको पीलिंग से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक किसी भी तरह का पार्लर प्रोसीजर करवाने से बचना चाहिए, जैसे कि फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीचिंग या थ्रेडिंग। तो जैसा कि हमने आपको बताया, केमिकल पीलिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। केमिकल पीलिंग से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पीलिंग के बाद में थोड़ा अपने चेहरे का ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से केमिकल पीलिंग के बारे में आपके मन में जो सवाल थे उन्हें कुछ हद तक मैंने क्लियर किया है। यदि आपके मन में केमिकल पीलिंग को लेकर कोई और सवाल हो तो आप नीचे दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।